नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों SSC की तरफ से। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको बहुत ही दिनों से इंतजार था कि सर SSC GD की वैकेंसीज कब निकलेंगी, तो यहाँ पर दोस्तों SSC GD की कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। यहाँ पर दोस्तों पद होने वाले हैं, 84,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। मतलब ITBP, BSF, CRPF और जो भी आसाम राइफल और जो भी यहाँ पर दोस्तों जॉब्स हैं, इसमें डिपार्टमेंट है, यहाँ पर दोस्तों टोटल मिलाकर 84,000 पदों पर भर्ती निकल चुकी है। ठीक है, तो आयु सीमा आपकी होगी 18 से 23 साल और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों लास्ट डेट आपकी अगस्त 2020 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगी वो होगी 10th पास और ये जॉब है दोस्तों ऑल इंडिया, मतलब आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे आपके जुलाई 2020 से। ठीक है, तो बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज निकलेंगी। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है दोस्तों जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी वैकेंसीज हैं, आप इसको ठीक से देख लीजिएगा और मैं आपके लिए आगे पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, हाइट क्या होगी, वेट क्या होगा, जो भी मतलब A to Z डिटेल में आपके लिए देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह से जॉब नोटिफिकेशंस और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की वैकेंसीज की डिटेल्स लेकर आता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभी मैं आपको लेकर चलूंगा दोस्तों एक वेबसाइट पे जिसके माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं, उसके बाद में यहां पर चलते हैं हम। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, यहां पर पूरी डिटेल दी हुई है SSC GD कॉन्स्टेबल 2020 नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के बताऊंगा पूरा। तो SSC GD 2020 एग्जाम डेट्स नोटिफिकेशन एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, पूरी की जानकारी देने वाला हूं, मतलब कितनी आपकी एग्जाम डेट क्या होगी, नोटिफिकेशन आपकी कब आएंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, तो मैं आपके लिए पूरी डिटेल देने वाला हूं। तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट GD कॉन्स्टेबल एग्जाम 2020 टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ जनरल ड्यूटी एट BSF, CISF, ITBP, CRPF, राइफलमैन। ठीक है, और भी सारे जो डिपार्टमेंट हैं जिनके नाम यहां पर नहीं आए उनमें भी कितनी कितनी वैकेंसीज है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ द सेम विल बी रिलीज इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ठीक है, तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों वो जुलाई के मंथ में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो है आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स। ओके, उसके बाद में यहाँ पर है दोस्तों SSC GD 2020 एग्जाम विल बी हेल्ड टू अपॉइंट एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल इन BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, SSF, NIA एंड राइफलमैन। ठीक है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्राइजेज द 4 स्टेट्स नेमली। ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी 4 स्टेज होंगी, सबसे पहले आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, उसके बाद में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब जो PST बोलते हैं PST देना होगा, उसके बाद में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET देना होगा, उसके बाद में आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं SSC GD हैज रिलीज्ड SSC GD कांस्टेबल वैकेंसीज एग्जाम इन जुलाई 2020। एस्पिरेंट्स कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SSC टू नो द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एंड अदर डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं, दिसंबर 2019 में अपडेट की गई थी SSC की तरफ से 60,210 वैकेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ कि किस पद में कितनी वैकेंसीज निकलेंगी, ये ओनली मेल के लिए है। ठीक है, तो BSF में दोस्तों टोटल वैकेंसीज होंगी 14,436, CISF में टोटल वैकेंसीज होंगी 7,266, CRPF में होंगी दोस्तों 13,769, SSB में होंगी 8,931,
आईटीबीपी में 2841, असम राइफल बोलते हैं एआर, ठीक है, असम राइफल में 3076, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में 8 और एसएसएफ में होंगी 372, ठीक है। तो टोटल 50,699 वैकेंसीज ये मेल के होंगे। उसके बाद में आते हैं दोस्तों फीमेल पे, ओके। तो बीएसएफ में होंगे दोस्तों फीमेल की 2548 वैकेंसीज, सीआईएसएफ में 807, सीआरपीएफ में 2055, एसएसबी में 2025, आईटीबीपी में 501, आसाम राइफल में 1500, एनआईए में 0 होगी लेडीज के लिए और एसएसएफ में 75 वैकेंसीज, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज एक्सपेक्टेड डेट, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, आपको कोई भी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। ये दोस्तों IBTV करके एक वेबसाइट है जिसपे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये वेबसाइट भी बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ देती है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुई है, जो कि दोस्तों जुलाई 2020 में रिलीज होने की पूरी पूरी गारंटी है, ओके। उसके बाद में स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जुलाई 2020 से ही आपके जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट डेट टू अप्लाई आपकी अगस्त 2020 में होगी, और यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई 10 days prior to the exam, ठीक है, और एग्जाम डेट आपकी टू बी अनाउंस्ड एंड रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड। तो मतलब एग्जाम डेट और आपकी जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं बताई गई है, जैसे ही आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसमें पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर SSC GD 2020 एग्जाम, ठीक है, यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर SSC GD 2020 एग्जाम विल कमेंस फ्रॉम जुलाई 2020, द लिंक फॉर द एप्लीकेशन विल बी अपडेटेड ऑन जुलाई 2020 एज सून एज द रजिस्ट्रेशन पेज इज एक्टिवेटेड बाय द SSC, ओके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर SSC GD एग्जाम 2020 की सैलरी के बारे में दिया गया है, नेम ऑफ द डेजिनेटेड एट CAPF डिपार्टमेंट, मतलब इसको जो SSC GD जो भर्ती करती है ये CAPF को करती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसी में दोस्तों ये BSF, ITBP, SSB, NIA जितनी भी फोर्सेस हैं पूरी पूरी CAPF के अंडर ही आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे GD कांस्टेबल यानी कि जो राइफलमैन है उसकी जो आपको पे स्केल होगी वो 21,700 से 69,100 रुपये होगा, ठीक है, पे बैंड वन में आएंगे ये लोग, और इनका ग्रेड पे होगा 2,000, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मंथली अर्निंग के बाद में आपको बता दें अगर, तो बेसिक पे 21,700, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जिसको TA बोलते हैं 1,224, उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस जिसको HRA बोलते हैं 2538, डियरनेस अलाउंस 434, टोटल अर्निंग होगी आपकी 25,836, नेट अर्निंग होगी इतनी, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके जो टैक्स मतलब आपकी जो पेंशन कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपका डिडक्शन दिया हुआ है कि आपका CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से जो भी है आपका ये कटता है, जो कटने के बाद में आपकी सैलरी दी गई है। उसके बाद में बिसाइड द बेसिक पे कॉन्स्टेबल, चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर एज लिमिट क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों जो आपकी एज लिमिट होगी वो OBC की 26 साल तक है, SC ST की 28 साल तक है, एक्स सर्विसमैन 26 साल तक, एक्स सर्विसमैन जनरल 26, एक्स सर्विसमैन OBC 29 साल, एक्स सर्विसमैन SC ST 31 साल तक, ठीक है। ये आपकी एज लिमिट है, आप इसको पूरा पढ़ लें, मैं आपको धीरे धीरे करके इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एग्जाम पैटर्न ऑफ SSC GD 2020, जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका दोस्तों इस तरह से होगा, ठीक है। आपका जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 25, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो कि दोस्तों 90 मिनट को आपको करने को मिलेगा ये पूरा एग्जाम, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। तो 25 क्वेश्चन की आपकी आएगी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। उसके बाद में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आपकी आएगी 25 नंबर की, इसमें भी 25 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी 25 नंबर की, इसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी 25 नंबर की आएगी, इसमें भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स, ठीक है। और आपके लिए 100 मार्क्स को करने के लिए मिलेंगे आपको 90 मिनट। ये आपके हो गया सिलेबस। उसके बाद में यहाँ पर PET के बारे में बता देते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर दोस्तों रनिंग होगी आपकी 5 किलोमीटर इन 24 मिनट मेल के लिए, और फीमेल के लिए होगी 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, मतलब 8.5 मिनट में 1600 मीटर और 24 मिनट में 5 किलोमीटर मेल के लिए। उसके बाद में PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट होगी आपकी दोस्तों 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। हाइट ST कैंडिडेट्स के लिए होगी मेल के लिए 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। उसके बाद में टाइप होगा आपका
ये चेस्ट एक्सपेंशन जनरल एससी एंड ओबीसी के लिए 80 और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन होगा, फीमेल के लिए कुछ भी नहीं होगा, और चेस्ट एक्सपेंशन एसटी कैंडिडेट्स के लिए 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आई आपके मेडिकल का दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड, तो आई आपकी 6x6 होना चाहिए, ये दिया हुआ है, पूरा पढ़ लें इसके लिए। और यहाँ पर आपका और भी डिटेल्स दी हुई हैं, आप इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपको एसएससी जीडी की वैकेंसीज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर सबसे पहले आपको लेकर आता रहता हूँ इसी तरह से वैकेंसीज की डिटेल, और साथ ही साथ आपकी जो ये वैकेंसीज होंगी इसकी मैं तैयारी भी कराऊंगा। तो आपको मेरे चैनल पर शाम के लिए और दोपहर में 1 बजे आपको डेली एक जनरल नॉलेज की वीडियो मिलेगी, जो इसी वैकेंसीज के रिटर्न एग्जाम पर आधारित होगी, मतलब इन वैकेंसीज में रिटर्न एग्जाम में जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस उन वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।